उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही इटावा के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। इसके बाद उन्होंने किसान आंदोलन पर यह कहा कि किसानों को सरकार से बैठकर बातचीत करनी चाहिए और हल इसका निकाला जाना चाहिए। देश के कृषि मंत्री और इटावा के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज यहाँ इटावा आए हैं, जो दो दिन का दौरा था, क्या रहा दौरे में, चूंकि आज उनका दूसरा दिन है, हम जानते हैं। मंत्री जी, दो दिन के दौरे में किस तरह की पूरी स्ट्रेटजी बनाई, आप प्रभारी मंत्री भी हैं। विकास कार्यों की समीक्षा किया है, विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था को ठीक किए जाने के लिए निर्देश दिए हैं। इस महीने के भीतर ही हमारे नहरों का पानी का 28 तारीख तक नहरों का पानी रजवाहों में पहुंच जाए और 31 तारीख के बाद तेल पर पहुंच जाए, इसके लिए हमने निर्देश दिए हैं। और प्राथमिकता के आधार पर किसान को रबी की सिंचाई समुचित तरीके से उपलब्ध हो सके, इसके लिए ट्यूबवेल के भीतर जहां यांत्रिक दोष और बिजली दोष से थे उनको समाप्त किए जाने के लिए उस दोष को निराकरण वो 28 तारीख के पहले करेंगे, ये सुनिश्चित किया। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जहां 27 दिन हो गए किसान धरने पर है दिल्ली में, आज भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, तो सरकार ने किस तरह की स्ट्रेटजी बनाई है किसानों को समझाने के लिए, क्या आगे की प्लानिंग की जा रही है? देखिए, भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, कृषि मंत्री जी, गृह मंत्री जी लगातार जो है वो किसानों से बातचीत करने के प्रयास किए हैं, संपर्क किए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने परसों भी आह्वान किया हुआ है कि यदि आपको कोई बात है तो आप जो है वो मिल करके और बातचीत करके अपने सुझाव को दें। लोकतंत्र के भीतर किसी भी समस्या का निराकरण जिद या हट नहीं हुआ करता है, उसके भीतर ठोस सुझाव होते हैं, और यदि कोई ठोस सुझाव आएगा तो भारत सरकार ने उन ठोस सुझावों पर विचार करने के लिए आमंत्रण भी भेजा है। तो मैं तो किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि आपकी बात एक तरीके से प्रधानमंत्री जी तक और शासन के तमाम जिन लोगों के नियंता हैं, कृषि मंत्री जी तक पहुंची हुई है, तो आपको बैठ करके किसानों की समस्या जो आप रख रहे हैं वो उनके साथ बैठ करके आपको वार्ता करना चाहिए और उसका समाधान निकालने के लिए भारत सरकार को सहयोग करना। ये कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं, जिनका कहना है कि जो पंचायत चुनाव होंगे जो उनको निष्पक्ष रूप से कराया जाएगा। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। तो कृषि कानून